स्किजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आपसे आज ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग हमारे यहाँ खुद पेशेंट्स को लेके आते हैं या ऑनलाइन काउंसिलिंग करते हैं। हमारे नंबर्स नीचे दिए हुए, उसमें आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। स्किजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब व्यक्तिमत्व का दोष है। यह बचपन से ही पाया जाता है और इसमें वह व्यक्ति सामाजिक रिश्तों में बिल्कुल हिस्सा लेता ही नहीं है। उसका परिवार में किसे मिलना जुलना नहीं, समाज में किसे मिलना जुलना नहीं और अकेला अकेला रहते रहता है। उसको भावना भी होती नहीं है। तो नीचे दिए हुए 7 में से यदि 4 क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो फिर वो स्किजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम उसको कह सकते हैं। तो नंबर 1, उसको रिश्तों में या परिवार में कुछ मज़ा आता नहीं और वो अकेला अकेला मतलब रहता है। वो उसको रिश्तों में मतलब किसे मिलना जुलना उसका होता नहीं। नंबर 2, हरदम अकेला रहता है। अकेले कमरे में बैठे रहेगा, अकेला पढ़ते बैठेगा, अकेला कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेगा। उसको लोगों के साथ में वो कुछ भी कर नहीं सकता है। नंबर 3, उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता। कोई सेक्स का उसका संबंध नहीं है जैसा, और कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट उसको आता ही नहीं। नंबर 4, उसको कोई भी काम करने में मज़ा आता नहीं, इसलिए वो काम करना टालते रहता है, कोई कुछ भी काम करता नहीं है। 5, परिवार के लोगों के मतलब लोगों को छोड़ के बाकी उसको कोई दोस्त नहीं रहते, कोई रिश्ते रहते नहीं। परिवार के लोग मतलब जिनको रोज का काम पड़ता है इसलिए उनके साथ में संबंध रहता है, अदरवाइज किसके साथ में भी वो संबंध रखता नहीं है। फिर उसको टिका किया उसके ऊपर या उसकी तारीफ किया तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत इंडिफरेंट रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं, आप टिका करो या तारीफ करो, कुछ भी करो, वो ऐसा देखेगा कि कुछ हुआ ही नहीं उसको। और नंबर 7, उसको भावनाओं का बिल्कुल अभाव रहता है, भावना रहती नहीं है, फ्लैट रहता है इफेक्ट, मतलब खुशी भी नहीं, गम भी नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट इफेक्ट रहता है। तो बाकी उसको हेलुसिनेशंस नहीं रहते, मतलब अपने जो सेंसेस उसका भ्रम नहीं रहता, कानों का भ्रम, आँखों का भ्रम, ये भ्रम नहीं रहते, विचारों का भ्रम नहीं रहता, बोलना बाकी ठीक रहता है, बोल चाल बराबर रहती है। और ये लोग अक्सर अपने कोई ना उसको हॉबी रहती है उसमें बिजी रहते हैं, या ऐसा कोई काम पसंद करते कि जिसको बहुत डिमांडिंग नहीं है, जिसको उनको कोई जवाब देने का नहीं है, ऐसे कोई काम वो करते रहेंगे। उनको कोई ट्रीटमेंट से फ़ायदा भी होता नहीं है, कोई दवाई से। एक ही ट्रीटमेंट है कि उसको उसके साथ में कभी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, उसका इलाज हम कर सकते हैं। या फिर ये लोग यदि हमारे पास में लाते कि ये डिसऑर्डर है, व्यक्तिमत्व का दोष है, वैसे कोई बीमारी नहीं मगर व्यक्तिमत्व का दोष है, बीमारी है, तो उसका साइकोथेरेपी से उसका इलाज हो सकता है। तो यह लोग काफ़ी आपके मतलब आजू बाजू में भी हो सकते हैं, उनका हम यदि इलाज कर दें तो उनका जीवन अच्छा हो सकता है। तो वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमारा जो मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।